हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आउटिंग विद आशीष में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास दो छोटे पार्सल हैं और आज का वीडियो इन्हीं दो पार्सलों के ऊपर है। एक्चुअली दोस्तों, मेडिसिन बॉक्स, मिनी मेडिसिन बॉक्स है इनमें, और मेरे को एक साथ इन दोनों का कंपेरिजन कहीं मिला नहीं, इसलिए मैंने दोनों को मंगाया। और आज हम इन दोनों पैकेट को ओपन करते हैं आपके सामने और इनका कंपैरिजन करते हैं। और इसको मैंने मेडिसिन के लिए नहीं, पर एक विशेष पर्पस के लिए मंगाया है, क्योंकि हम कैंपिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और जिस उद्देश्य से मैंने इसे मंगाया है। और वीडियो के लास्ट में आप जरूर देखिएगा कि इसको मैंने क्यों मंगाया है। तो चलिए हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसको खोलते हैं। ये पहला बॉक्स दोस्तों फॉलका का मिनी मेडिसिन, और इसके अंदर और कुछ नहीं है। ये मुझे करीबन 250 रुपये का पड़ा है दोस्तों का। तो ये पहला फॉलका, दूसरे को ओपन करते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा महंगा पड़ा है दोस्तों मुझे, ये करीब मुझे 600 रुपीज़ का पड़ा है दोस्तों। तो चलिए दूसरा पैक ये हो गया, इसको हम अलग रखते हैं। ये दोनों मिनी बॉक्स दोस्तों, और इसका मेजरमेंट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं मिल रहा था कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो मेजरमेंट बहुत जरूरी है दोस्तों। 3.5 इंच लंबाई है इसकी और करीब करीब 3.25 इंच इसकी चौड़ाई है, और ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लग रहा है। इसकी भी लंबाई लगभग लगभग 3.5 इंच है और चौड़ाई 2.5 इंच करीब है। इसमें जो दोनों में अंतर है, वो जो अंतर है वो इनकी मोटाई में है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो मोटाई में थोड़ा सा अंतर है इनकी। ये करीब करीब 1.5 इंच का है ना वॉल्को का, और ये 1.25 इंच के आसपास है, 1.25 इंच। तो ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है और ये थोड़ा सा हैवी है। चलिए अंदर खोल कर देख लेते हैं। ये चार कंपार्टमेंट दिए गए हैं दोस्तों, दोनों को खोल लेते हैं, हम दोनों को एक साथ देख लेते हैं। इसमें एक तरफ चार कंपार्टमेंट है और इसमें एक तरफ 1, 2, 3, 4, 5 कंपार्टमेंट है। बीच में इसमें एक ये होल्डर दिया गया है ना, तो इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मेडिसिन बॉक्स से। इसलिए इसमें अपने शैशे वगैरह कुछ हम रखना चाहें, ORS वगैरह रखना चाहें, तो उस पर्पस से ये दिया गया है ना, तो वो रख सकते हैं। और दूसरी तरफ में इसमें लॉन्गिट्यूडनल लंबे लंबे 3 चैम्बर दिए गए हैं, और इसमें दोनों तरफ का डिजाइन सेम है। और जब हम ये चारों को खोलते हैं तो ये जो फ्लैप है ये अलग हो जाता है और हम इसको आराम से सफाई कर सकते हैं। तो ये पूरे फ्लैप इसी तरीके से निकल सकते हैं, तो हम सबको नहीं निकालेंगे अभी, और वापस ये इस तरीके से लग जाएगा। तो दोस्तों, अब रही बात क्वालिटी की, तो क्वालिटी जो है दिख रही है मुझे, वो इसकी ज़्यादा बेटर दिख रही है। इसका जो मुझे एजेस दिख रहे हैं वो थोड़े से पैक दिख रहे हैं, एकदम एयर टाइट तो नहीं है, पर काफ़ी अच्छे से बैठ जा रहे हैं, है ना। तो गैप वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है, और इसकी क्वालिटी थोड़ी पुअर दिख रही है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, इसमें गैप दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से गैप है, तो मतलब ये एकदम पैक नहीं है। तो क्वालिटी वाइज अगर हम देखा जाए तो ये हमारे लिए थोड़ा अच्छा है। यही है दोस्तों, ये दोनों बॉक्स जो मुझे एक साथ आपको दिखाना था, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हुई और इसलिए मैंने आपको दिखाया। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये छोटा सा मेरा मेडिसिन बॉक्स का कंपैरिजन पसंद आया होगा। और अब बात रही मेन कि मैंने इसे किस पर्पस से मंगाया है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो चलिए थोड़ी सी देर वेट करते हैं और मैं इन्हें आपके सामने फिर से लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, मैंने अपने दोनों बॉक्स को अरेंज कर लिया है और अब वो समय आ गया है
कि मैंने इसे किस पर्पस से मंगाया है वो आपके सामने मैं रख दूं। तो मैंने दोस्तों इन दोनों बॉक्सों को अपना सोलो कैंपिंग के लिए मसाला बॉक्स के रूप में मंगाया है दोस्तों, और मैं इसे मसाला बॉक्स बनाना चाहता था। और इन दोनों को जब मैंने अरेंज किया तो मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा मज़ा आया दोस्तों, और ये बहुत सही चीज़ है दोस्तों एक सिंगल पर्सन के लिए मसाला बॉक्स के लिए। तो चलिए इसको अपन खोल कर देख लेते हैं कि मैंने इसे किस तरीके से अरेंज किया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस बॉक्स को देख लेते हैं, और मैंने इसे अरेंज कर लिया है, और इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने अपने खड़े मसाले एक तरफ पूरे भर के रखा हुआ है ना। इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है, जीरा है, और ये एक पर्सन के लिए, सोलो व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। आप इसमें एक दो टाइम का कुकिंग आराम से कर सकते हैं। वैसे भी हम अपने कैंपिंग में रेडीमेड मसाले लेकर जाते हैं दोस्तों, है ना। और दूसरी तरफ दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने नमक रखा हुआ है, हल्दी और मिर्ची रखा हुआ है, और ये जो एडिशनल इसमें जो चैम्बर दिया गया है जिसमें हम सैशे रखते हैं, तो वाकई में हम इसमें सैशे रखेंगे दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें ऑरेगेनो रखा हुआ है, पिकल रखा हुआ है, तो दो तीन पाउच आप आराम से इसमें रख सकते हैं। तो आप सॉस का पाउच रख सकते हैं, अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है वो आप इसमें छोटा वाला रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये काफ़ी बहुत बढ़िया तरीके से अच्छा अरेंज हो जाता है दोस्तों, है ना। तो ये हो गया पहला डिब्बा दोस्तों। दूसरा डिब्बा भी हम देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा डिब्बा ये है दोस्तों, इससे इसकी तुलना में काफ़ी कॉम्पैक्ट है, और स्टेबिलिटी है इसमें, और क्वालिटी भी है, क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा है। और ये जो दिख रहे हैं हम इसको देख सकते हैं कि इनके जो अंदर के जो ढक्कन है वो जब हम इसको लॉक करते हैं तो ये भी ऑटोमेटिकली साथ में लॉक हो जाते हैं। तो इसको भी मैंने अरेंज कर लिया है दोस्तों, ये देखिए, और बहुत बढ़िया तरीके से अरेंज हुआ है ना। नमक, मिर्ची, हल्दी, खड़े मसाले, तो बहुत बढ़िया है दोस्तों, और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो आज से मेरी कैंपिंग में आप इस बॉक्स को हमेशा देखेंगे दोस्तों, मसाला बॉक्स के रूप में। और अगर इन दोनों बॉक्स में तुलना की जाए दोस्तों, तो मेरा फेवरेट जो रहेगा वो ये बॉक्स रहेगा, और यही अब मेरे साथ हमेशा रहेगा। तो फाइनली दोस्तों मैंने अपने मसाला बॉक्स को पा लिया है। बहुत समय तक ढूंढने के बाद मुझे ये मिला है, और अब ये मेरा मसाला बॉक्स रहेगा, और काफ़ी कॉम्पैक्ट है, मेरे छोटे से जेब में भी बहुत आसानी से चला जाता है ना। तो ये बॉक्स, मसाला बॉक्स। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये दोनों बॉक्स का कंपैरिजन अच्छी तरीके से मिल गया होगा, और मेरा जो मसाला बॉक्स बनाने का आइडिया है वो भी आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे और उत्साह मिले और मैं नए नए वीडियो आपके सामने लेकर आऊँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।